खबर चमोली जिले से है, जहां अतिथि शिक्षक संघ के बैनर तले एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया है। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि उन्हें से वेतन नहीं मिल रहा है, जिसे लेकर कई बार मुख्य शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया गया है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। इतना ही नहीं, वेतन समय पर न मिलने से आर्थिक संकट पैदा हो गया है। आपको बता दें कि प्रदर्शन करने वालों का कहना है कि जब तक उन्हें लिखित में आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। तो ये है कि वेतन की संगति के मामले में हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। जून 2020 और जून 2021 और शीतकालीन अवकाश का हमें वेतन नहीं दिया गया है, जबकि वो अवकाश हम लोगों का अपनी तरफ से नहीं है, वो प्रशासन की तरफ से है, लेकिन तब भी हम लोगों का क्या होता है, वेतन कट जाता है। और केवल 25,000 में हम लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके इतने दुर्गम से अति दुर्गम स्थानों पर जॉब करते हैं। हम लोगों की मांग तो बस एक ही है कि हमारा वेतन हमको दिया जाए, भविष्य भी हमारा सुरक्षित है नहीं। अब ये और जो जनपद है, सभी जगह मानदेय दिया गया है, लेकिन सिर्फ एक चमोली जनपद ऐसा है जहाँ मुख्य शिक्षा अधिकारी एक होने के बावजूद एक ही डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग नियम चल रहे हैं। कि हमारा जो है कि वेतन दिया जाए, आप ये मान के चलिए कि एक ही जनपद में अलग अलग नियम का होना, कहीं दे दिया गया है मई जून का वेतन, जून का और जनवरी का कहीं दिया गया, भाई एक ही जनपद के अंदर ऐसे अलग अलग नियम कानून क्यों? मेरे ख्याल संभवतः जो है इनका अवकाश के जो समय है, जो हमारे ग्रीष्म अवकाश और शीत अवकाश पीरियड है, उनके मानदेय भुगतान का शायद इनका प्रकरण है, जो अभी मेरे से बात तो नहीं हुई है, कोई ज्ञापन में वेतन नहीं दिया है, लेकिन संभवतः वही इनके प्रकरण है।